रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है, राजनीतिक खबर है, सियासी खबर है। वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी के सदस्य बने हैं नंद कुमार साय। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन कांग्रेस के सत्ता से बाहर होने के बाद से साय लगातार बीजेपी के नेताओं के संपर्क में थे। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद पहले नेता प्रतिपक्ष थे नंद कुमार साय। नाराजगी थी, बीजेपी से कांग्रेस में गए, लेकिन अब फिर से बीजेपी में आ गए हैं। घर वापसी से हम कह सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी मृगेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृगेंद्र, आखिर ये क्या हुआ, घर वापसी नंद कुमार साय की? देखिए, नंद कुमार साय कांग्रेस सरकार में कांग्रेस के पाले में चले गए थे, भूपेश बघेल के साथ लगातार घूमते थे, लेकिन प्रदेश में ऐसे समीकरण बने कि कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। उसके बाद से ये लगातार बीजेपी में आने का प्रयास कर रहे थे। बड़े बड़े नेताओं से नंद कुमार साय ने संपर्क किया। बताया जा रहा है कि अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री और तमाम बड़े नेताओं से इन्होंने संपर्क किया, लेकिन दाल नहीं गली। लास्ट में उन्होंने भाजपा की जो ऑनलाइन सदस्यता होती है, मिस कॉल करने के बाद जो सदस्यता होती है, वो सदस्यता ली और उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया और बताया कि अब मैं भाजपा का हो गया हूँ और देश की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी से जुड़कर जो है गौरव महसूस कर रहा हूँ। जी, तो इसे क्या कहा जाएगा मृगेंद्र? आमतौर पर हम देखते हैं कोई भी वरिष्ठ नेता, सीनियर लीडर किसी वरिष्ठ नेताओं के साथ ही पार्टी ज्वाइन करता है। अब लेकिन बीजेपी का ये अभियान चल रहा है, मिस कॉल के जरिए आप तो पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इसे क्या कहा जाए, इस पूरे घटनाक्रम को क्या कहा जाए? देखिए, जो वर्तमान में परिस्थितियां बनी है, नंद कुमार साय बड़े नेताओं से संपर्क कर चुके हैं और प्रदेश स्तर पे नंद कुमार साय का कद खुद बहुत बड़ा था एक समय भाजपा में। वो तमाम बड़े पदों पे रहे और अनुसूचित जनजाति आयोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। उनकी नाराजगी सिर्फ इस बात को लेकर थी क्योंकि वो उम्र सीमा जो 70 की का क्राइटेरिया रखा गया उसको पार कर गए हैं तो पार्टी, लेकिन जब वो पार्टी छोड़े तो यही मुख्यमंत्री जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय उनको मनाने गए थे। वो बोले कि नहीं, आप पार्टी में रहिए, लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि पार्टी उनको एक्सेप्ट कर रही है, नहीं कर रही है, लेकिन उन्होंने जो सदस्यता लेकर एक तरीके से पार्टी के प्रति निष्ठा जताने की कोशिश की। अब देखते हैं भविष्य में उनका क्या होता है। निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी भविष्य में क्या होता है, लेकिन एक बार दर्शकों को हम दिखा देते हैं। ये देखिए, देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना गौरव का विषय है। ये पोस्ट किया है नंद कुमार साय ने और जो सदस्यता लेने के बाद एक आपको प्रमाण पत्र जैसा कुछ मिलता है बीजेपी का, वैसा ही आपको नजर आएगा। डॉक्टर नंद कुमार लिखा हुआ है नाम, स्टेट छत्तीसगढ़, मेंबरशिप का नंबर भी वहां पर है। बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा है छत्तीसगढ़ में, मिस कॉल के जरिए भारतीय जनता पार्टी लोगों को जोड़ रही है। जैसा कि मृगेंद्र बता रहे थे कि बीजेपी के कई बड़े नेताओं से उनकी बातचीत हुई, दाल नहीं गल पाई, तो एक ये मौका था बीजेपी की सदस्यता लेने का, वो ले लिया है नंद कुमार साय ने। लेकिन क्या इसे सही कहा जाएगा, क्योंकि एक वरिष्ठ नेता हैं छत्तीसगढ़ के नंद कुमार साय। बहुत शुक्रिया आपका मृगेंद्र जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद।